एक जानवर जो किसी भी ऐसे इंसान को अपराजेय बढ़त दे सकता है जो उसे पालतू बना सके, वह है घोड़ा। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हालांकि पहले अमेरिका में घोड़ों का विकास हुआ था, वे अन्य कई बड़े स्तनधारियों के साथ वहां मर गए। हिमयुग के दौरान उत्तर अमेरिका में घोड़ों की कम से कम 3 प्रजातियां थी, शायद कुछ अधिक भी हों। कुछ छोटे जैसे टट्टू, कुछ बड़े जैसे क्लाइडेसडेल्स, और वे उत्तर अमेरिका में 40 मिलियन वर्षों तक विकसित हुए थे। वे पूरे इतिहास का हिस्सा है और फिर वे खत्म हो गए, मर गए। ये शक्तिशाली संभावित सहयोगी प्राचीन उत्तरी अमेरिका द्वारा उपयोग किए जाने से पहले गायब हो जाते हैं। सौभाग्यपूर्ण उससे पहले ही बड़ी संख्या में घोड़े बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए पीछे भाग आए थे और केंद्रीय यूरेशिया की स्टेपीज तथा महान घास के मैदानों में फैल गए। इस संकीर्ण बचाव से मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। लगभग 4000 BC में मध्य एशिया में खानाबदोश लोग उन्हें पहली बार पालतू बनाना सीखते हैं। इन पालतू घोड़ों को पूरे एशिया में इस्तेमाल किया जाएगा, साध्य से लेकर युद्ध तक। शायद किसी दूसरे जानवर का मानव इतिहास में इतना प्रभाव नहीं पड़ा, और यह चक्र अगले 5000 वर्षों तक पूरा नहीं होगा जब तक क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी दूसरी समुद्री यात्रा के दौरान इन घोड़ों को अमेरिका नहीं ले आता। 10,000 साल पहले अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद ये घोड़े अमेरिका में कदम रखने वाले पहले होंगे। हजार साल पहले जानवरों और पौधों को पालतू बनाना मानव इतिहास के अगले चरण के लिए मंच तैयार करता है। जैसे गुरुत्व से धूल और बादलों द्वारा सितारे बनाने के लिए सामग्री इकट्ठी की गई थी, वैसे ही एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण सुमेरिया में काम पर था। सुमेरिया लोगों को आकर्षित करता, बड़ी आबादी संभालता और शक्तियों और आविष्कारों का केंद्र बनता। 3000 BC आते आते इनमें से कुछ सुमेरियन बस्तियों को वास्तव में हमारे पहले शहर कहा जा सकता है। उनमें से एक उरुक, उसमें लगभग 50,000 लोग रह रहे थे। एक ऐसा जनसंख्या घनत्व जो आधुनिक न्यूयॉर्क शहर का भी प्रतिद्वंदी है। ऊर्जा पैदा करने में मनुष्य इतने कुशल बन गए हैं कि यह भूमि क्षेत्र जो इतना छोटा है सिर्फ एक शिकारी का पेट भर सकता था, अब हजारों का पोषण कर सकता है। लेकिन आहार में बदलाव से एक नई निर्भरता भी बढ़ जाती है। एक बार जब आप कृषि में आ जाते हैं, आप अपनी कैलोरी के 80-90% के लिए सिर्फ एक या दो फसलों पर ही निर्भर हो जाते हैं। मध्य पूर्व के लिए ये थे गेहूं और जौ। वे दोनों एक ही समय में उगती हैं। मनुष्य को एक ही समय में इनके बीज को इकट्ठा करना होगा, तो हमारे लिए ये पूरे साल भर का भोजन एक ही हिट में आ गया है। ये ऐसे है जैसे आपको अपनी सैलरी साल में सिर्फ एक बार मिलती हो। आपको उसे रिकॉर्ड करना होगा, आपको साल भर की योजना बनानी होगी, क्योंकि यदि आपकी फसल बर्बाद हुई तो अकाल आ जाएगा और आपको अगले 12 महीने तक कुछ नहीं मिलने वाला। इन प्रथम शहरों में फसल ही राजा है। उन पर नजर रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने पहले लेखन का विकास किया, उनकी रक्षा करने के लिए पहली सेनाएं और उन्हें प्रशासित करने के लिए राजनीति की शुरुआत हुई। जब आपके पास सैकड़ों या हजारों लोग हैं जो एक साथ रह रहे हैं, बस बहुत सारे लोग हैं, चारों ओर भाग दौड़ और विभिन्न मत होते हैं, ऐसी जटिलताओं को संभालने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। इसमें एक प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक क्रम की आवश्यकता होती है। रोपण बीज ने मनुष्य को एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया। बस्तियां शहरों में बदल गई, लेकिन शहरों से सभ्यता जन्म ले उस महान कदम को उठाने के लिए हमें एक बहुत आश्चर्यजनक प्राणी की मदद की आवश्यकता होगी। पांच हजार साल पहले 1,00,000 से भी अधिक वर्षों तक पृथ्वी को भटकने के बाद
इंसानियत ने बसेरे बनाने शुरू कर दिए हैं। हम नदियों के पास इकट्ठे हुए, जैसे टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, नील नदी, सिंधु नदी, येलो और यांगसी, सभ्यताएं शुरू होने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले उन्हें सभी को व्यापार करना सीखना होगा। जितना अधिक वे वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं और अन्य देशों से सीखते हैं, उतना ही वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि लंबी दूरी के व्यापार और संचार शहरी सभ्यता के उत्थान के लिए एक आवश्यकता है। और आश्चर्य की बात है कि पहली सभ्यताएं एक प्राणी के कंधों पर थी, जिसकी आधुनिक दुनिया में काफी कम प्रतिष्ठा है, गधा। गधों का कारवा वह अंतरराज्यीय राजमार्ग था जो आज का उच्च गति इंटरनेट है। उनके मार्ग आधुनिक दुनिया के लिए नींव रखेंगे। इन रास्तों पर केवल लकड़ी और कांसे जैसी वस्तुएं ही नहीं फैली, विचार और कहानियां भी फैले। जिन सभ्यताओं को ये कनेक्ट करेंगे, उन्हीं में से कुछ का बाइबल में वर्णन होगा। कारवां के ये सभी रास्ते पारस की खाड़ी में आते हैं। यहां से जहाजों के द्वारा सभ्यताएं भारत से भी जुड़ती हैं। अनिवार्य रूप से इन सभ्यताओं को एक साथ लाया गया, महान सांस्कृतिक और भौतिक विनिमय हुआ और वास्तव में वैश्वीकरण की तरफ एक शुरुआत थी। हमारी दुनिया कैसे काम करती है, यह उसे समझने की कुंजी है। पहली सभ्यताओं की तरह हम व्यापार और नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क मिलकर हब का निर्माण करते हैं और पूरे इतिहास के दौरान उसके केंद्र पर होने से एक अर्थ सामने आया। एक क्षेत्र से गुजरने वाले विचारों की मात्रा, माल सामान की मात्रा, इस बात पर सीधा नजर डालती है कि ये कितने शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं। 2000 बीसी तक मनुष्य कमजोर झोंपड़ियों से निकलकर बड़े स्मारकों तक आ चुके हैं। अफ्रीका में नील नदी के तट पर महान पिरामिड उठ खड़े हुए। प्राचीन ब्रिटेन में स्टोनहेंज के पहले चरणों में वृद्धि हुई और वापस सुमेरिया में मंदिरों के झुंड, जिन्हें जिगुरेट्स कहते हैं, आकाश की तरफ ऊंचे, अधिक ऊंचे चढ़ते गए। इन विशाल ढांचों को एक साथ सीमेंट करने के लिए सुमेरिया के बिल्डर एक ऐसे पदार्थ की ओर मुड़े जो यूफ्रेटिस नदी के किनारे निकलता है, जिसे वर्तमान में कोलतार कहते हैं, और इससे सड़कें बनती हैं। यह मानव जाति द्वारा उपयोग होने वाला पहला पेट्रोलियम उत्पाद है। जहां बिटुमेन अत्यधिक मूल्यवान है, उसी के साथ निकलने वाला हल्का पतला पदार्थ पूर्वजों द्वारा घातक माना जाता है, क्योंकि यह बहुत आसानी से आग पकड़ता है। पूर्वज इसे नेफ्ता कहते थे, हम इसे पेट्रोल कहते हैं। और यह इन विशाल तेल के मैदानों का पहला संकेत है जो मानव सभ्यता के भविष्य में केंद्र बना, धन दौलत का और युद्ध का भी। इन प्रथम सभ्यताओं की विरासत आश्चर्यजनक तरीके से देखी जा सकती है। सुमेरियन के गिनने का तरीका 10 की बजाय 12 पर आधारित था। यही वजह है कि हम अपने दिन को 12-12 घंटों के दो ब्लॉक में बांटते हैं और घंटों को 60 मिनट और मिनटों को 60 सेकंड में। शायद सुमेरिया में ही पहिए का आविष्कार हुआ था, जिससे मनुष्य को एक नया मोड़ देने वाले आविष्कार का जन्म हुआ। यह आविष्कार था रथ। सुमेरियन द्वारा पहिए का आविष्कार और उससे पहले घोड़े को पालना, इन दोनों के मिलान से ऐसा सैन्य शक्ति का हथियार बना जो अजेय था। लगभग 12000 बीसी में सभ्यताओं के एक रथ संचालित संघर्ष ने तांबे और टिन के लिए व्यापार मार्गों को काट दिया। वे धातु जिनसे कांस्य के औजार और हथियार बनते थे। लेकिन सौभाग्य से सितारों ने हमें एक वैकल्प बनाकर दिया है, लोहा। लोहार इस महत्वपूर्ण धातु की खोज करते हैं और उच्च तापमान पर काम करके वे इस प्राचीन धातु की छुपी हुई शक्ति को उभार देते हैं, जो तांबे की तुलना में आसानी से धारदार होता है और 700 गुना अधिक उपलब्ध भी है। इसने पूरा खेल ही बदल दिया। मानवता लोह युग में प्रवेश कर चुकी है।
जैसे ही हम पहली सहस्राब्दी बीसी तक पहुंचते हैं, इतिहास हमें एक रोमांचक सफर पर ले आया है। बड़े धमाके के प्रारंभिक विस्फोट से पृथ्वी और उसके पहले प्राणियों के बनने और मनुष्य के उदय के साथ हमने हिमयुग देखा, जिसने मानव जाति को फैलाने के लिए बर्फ का पुल बनाया और हमें विभिन्न महाद्वीपों पर फंसा दिया, हमारे पास जो कुछ भी है उसी के सहारे जिंदा रहने के लिए। तो 1000 BC तक दुनिया बटी हुई रहती है। व्यापार का नेटवर्क जो यूरेशिया और उत्तर अफ्रीका को जोड़ता है, अभी तक ग्रह के सबसे शुष्क रेगिस्तान में प्रवेश नहीं कर पाया है या विशाल समुद्रों को पार करके दूसरी दुनिया को। भूगोल द्वारा कटे हुए सहारा रेगिस्तान के नीचे का अफ्रीका और अमेरिका जैसी जगहों पर, जहां पालतू बनने के लिए जानवर और पौधों की कमी है, वे जीवन जीने के प्राचीन तरीकों से ही बंधे रहते हैं। घुड़सवार आ चुके हैं। मानव पहली बार घोड़े की पीठ पर बैठकर युद्ध करते हैं। हमने देखा कि घोड़े की सवारी से मनुष्य को बड़ा फायदा हुआ। अब हमने उसे लोहे के हथियारों से जोड़कर लगभग अजेय बना दिया है। तकनीक में ये प्रगति ये सिर्फ एक मुकाबला करने की क्षमता संभव नहीं बनाते हैं, ये साम्राज्य बनाते हैं। और अगले कई सदियों की यही कहानी है। नई तकनीक और बेहतर रसद के साथ साम्राज्यों का प्रसार हुआ। एक केंद्रीय नियंत्रण के नीचे विशाल क्षेत्रों को जोड़ते हुए जैसे जैसे साम्राज्य बढ़े, वैसे ही एक प्रकार के विश्वास भी। वह है एक ईश्वर का विचार। समय के साथ विकसित एक भगवान का यह विचार, यह तो होना ही था। यहूदी धर्म उभरता है, जिससे अंततः ईसाई धर्म बना और इस्लाम भी। बौद्ध धर्म और हिंदुत्व भी बढ़ने लगे। आज के 5 प्रमुख धर्म सभी इसी वक्त की देन है। हालांकि साम्राज्यों का प्रसार हुआ, कुछ महान शक्तियां अलग थलग रहती हैं। 5 लाख साल पहले हुए हिमालय के उदय ने चीन को बाकी दुनिया के साथ व्यापार करने से रोक रखा था, लेकिन अब यह बदलने वाला है। करीब 1000 BC एक चीनी सम्राट कुछ समर्थन ढूंढने पश्चिम में अपना एक दूत भेजता है। जिस रास्ते वह जाएगा, वह सिल्क रोड बनेगा, एक ऐसा व्यापार नेटवर्क जो चीन को मध्य एशिया में रोमन साम्राज्य से जोड़ता है। चीन दुनिया में शामिल हो चुका है। जहां तक हम जानते हैं, कोई चीनी व्यापारी कभी रोमन से नहीं मिले, कोई रोमन कभी किसी चीनी व्यापारी से नहीं मिले, कम से कम सिल्क रोड की इस पहली अवधि के दौरान। लेकिन फिर यह विशाल व्यापार फैलना शुरू हो गया। लगभग 100 BC और लगभग 200 AD के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के वे 3 दशक हैं जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन यह नया नेटवर्क छुपे खतरे भी लाया है। वर्तमान युग की शुरुआत तक महान साम्राज्यों में वृद्धि हो चुकी है और एक विशाल व्यापारिक नेटवर्क यूरोप और एशिया के अधिकांश हिस्सों को जोड़ता है। लेकिन यह व्यापार मार्ग एक अदृश्य खतरा लेकर चल रहा है, बीमारियां। बड़े पैमाने पर महामारी, जिसने दोनों साम्राज्य पतन पर ला दिए, रोमन साम्राज्य और चीन के हुन राजवंश। इन नेटवर्कों ने धर्म का प्रसार भी करवाया। ए डी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ईसाई बन गया।
जिससे ईसाई धर्म यूरोप का प्रमुख धर्म बन गया और पश्चिम में भी। तीन सदी बाद इस्लाम भी उभर कर आया, एक धर्म जो एक समय में इतना बड़ा होगा कि रोमन साम्राज्य से भी 2.5 गुना बड़े क्षेत्र को एकजुट करेगा। अरब व्यापार अगले 1000 वर्षों तक आविष्कार लाएगा और उन स्थानों पर भी विस्तार करेगा जो इसे पहले कभी नहीं देखे गए। अरब लोग एफ्रो यूरेशिया के बीचों बीच बैठे हैं। अरब व्यापारी ही चीन से व्यापार कर रहे हैं। अरब व्यापारी ही लाभी यात्राएं करके अटलांटिक महासागर तक आ रहे हैं, तो वे हब के बीच में हैं। और इस अरब व्यापार का रहस्य ऊंट, एक प्राचीन प्राणी जिसका पूर्वज घोड़े की तरह बेरिंग पुल के पार उत्तरी अमेरिका से बाहर भाग निकला था। 6 ऊंटों का एक कारवां 2 टन तक बोझ लेकर चल सकता है और हर रोज 60 मील चल सकता है। गधे के कारवां से 2 गुना बोझ और उससे आधे वक्त में। ऊंट का कारवां तुर्जे सहारा रेगिस्तान के पार भी विश्वसनीय मार्गों को खोल देता है, जिससे पश्चिम अफ्रीका में पहले राज्यों का गठन हुआ। अरबी व्यापार फैला, सहारा से रोम तक नमक जाने लगा, पूर्वी एशिया से भारत चावल आने लगा, कागज बनाने का रहस्य चीन से यूरोप आ गया और दुनिया भर में अनगिनत अन्य आविष्कार और विचार भी फैले। नींबू के लिए लेमन शब्द कहां से आता है? कॉफी शब्द कहां से आता है? वे सभी अरबी हैं, क्योंकि अरब लोग बड़ी संख्या में खाद्य फसल लेकर आने लगे। संतरे, खट्टे फल, वे दक्षिण चीन से आते हैं। फिर भी वे तब तक पश्चिम में नहीं आ पाए जब तक अरब उन्हें अपने साथ नहीं लाए। इस्लामिक उत्तरी अफ्रीका में इटली का एक व्यापारी लियोनार्डो फिबोनाची अरब व्यापारियों के तरीके से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाता है। उसने एक सरल लेकिन शक्तिशाली गणित को समझा जो भारत में बना था लेकिन अरब दुनिया में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। उनका ज्ञान यूरोप में फैल जाएगा। और दुनिया भर में भी लेकिन अरब व्यापारी एक और विचार का प्रसार भी करेंगे, कुछ और अधिक शक्तिशाली, कुछ और अधिक प्रभावशाली। वह कार्बन और सल्फर को सॉल्टपीटर के साथ जोड़ता है जिसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। सितारों में बने ये तत्व आज करीब आ रहे हैं बारूद बनाने के लिए। बारूद के लिए यह नुस्खा अंततः सिल्क रोड से होता हुआ पश्चिम पहुंचता है, इस्लामिक दुनिया के लिए, जहां मुस्लिम योद्धा इसे ईसाई जिहादियों पर तोप के गोलों की तरह इस्तेमाल करने लगे। गौरव ने इस विचार को अपनाया और उससे बारूद के हथियार बनाए। सन 1492 दुनिया की आबादी लगभग 40 करोड़ है लेकिन यह अभी भी 2 में विभाजित है। अमेरिका में अजटेक्स, माया और इंका की सभ्यताएं हैं। सभी ने उत्थान किया था जबकि आधी दुनिया पार रोम के पतन के बाद यूरोप ने किसी अंडे की तरह अलग अलग राज्यों में टूटना शुरू कर दिया है। इटली में पैदा हुए क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए इसका मतलब था कि वह यूरोपीय शासकों से धन के लिए अपील कर सकता है। जब तक वह स्पेन के राजा और रानी को मना नहीं लेता,
पृथ्वी को पूरा इतिहास लगा कोलंबस की यात्रा को संभव बनाने में। हवा से ऊर्जा पाने के लिए उसने त्रिकोणीय पाल का उपयोग किया, एक तकनीक जो उसने अरबों से कॉपी की। उसे गाइड करने के लिए कंपास, जो चीन के आविष्कार थे, और सुई का मार्गदर्शन करने के लिए ग्रह के केंद्र में बना एक चुंबकीय क्षेत्र। हालांकि कोलंबस भारत जाने के लिए एक नया तरीका तलाश रहा था, पर उसने जो किया उससे दुनिया के दो हिस्से हमेशा के लिए जुड़ गए। यह यात्रा केवल अमेरिकी इतिहास में महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा कि आप देखेंगे यह सभी मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हिमयुग के अंत में मानवता दो टुकड़ों में बस गई थी 15,000 सालों के लिए। अब वह बदलने वाला है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा को अमेरिकी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में सिखाया जाता है। वास्तव में यह पूरे मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। उस यात्रा से पहले विश्व के महान क्षेत्र मोटे तौर पर अलगाव में थे। अटलांटिक को पार करके कोलंबस उत्तर और दक्षिण अमेरिका के इन दो विशाल महाद्वीपों को, वहां उपलब्ध संसाधनों को खोल देता है और पहली बार यूरेशिया में रहने वाले लोग दुनिया के इस दूसरे हिस्से के बारे में जागरूक हो जाते हैं। कोलंबस की यात्रा से पहले जैसे ये लोग अलग थलग ग्रहों पर रह रहे थे, क्योंकि वे अलग थे। एक व्यापार नेटवर्क जो पहली सभ्यताओं के साथ शुरू हुआ, उसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ा। अब वह अटलांटिक के पार पहुंच रहा है। इस विशाल नए वैश्विक नेटवर्क में नए केंद्र बनाए जाएंगे और एक बार फिर सत्ता में बदलाव होगा। पिछले 2000 वर्षों में अधिकांश के लिए यूरोप महत्वपूर्ण नहीं रहा। फिर हमें कोलंबस का युग मिलता है, और आप जो जानते हैं यह वही समय है जहां हम पश्चिम के उदय को देखते हैं। यह वही समय है जब पश्चिम की शुरुआत हो चुकी है। यह एकदम दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज नेटवर्क बन जाता है, जो इतिहास ने कभी नहीं देखा। अब खाद्य पदार्थ जो महाद्वीपों में पृथक हुए थे दुनिया भर में घूमने लगे। अमेरिका से मक्का, मिस्र और चीन में पहुंची। दक्षिण अमेरिका से आने वाले आलू आयरलैंड और रूस की मिट्टी के लिए पूरी तरह उपयुक्त साबित हुए। पुराने उपजाऊ क्रेसेंट के अनाज जैसे गेहूं अमेरिकियों का भोजन बनने लगे। नए खाद्य अर्थात अधिक कैलोरी, अधिक ऊर्जा। कोलंबस की यात्रा के 3 शताब्दियों के भीतर दुनिया की आबादी दोगुनी से अधिक हो गई, 90 करोड़। लेकिन दो गोलार्धों के असमान शक्ति वाले ये लोग अब एक घातक चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं। यूरोपीय विजय प्राप्तकर्ता, उपजाऊ क्रेसेंट के कृषि और पशुओं के उत्तराधिकारी अपने घोड़ों पर बैठे बंदूक लेकर आ रहे थे, और संक्रामक रोग लेकर भी, और नतीजा हत्या। कोलंबस की पहली यात्रा के बाद के वर्षों में अमरीकियों में देशी आबादी का 94% हिस्सा यूरोपीय बंदूकों और रोगाणुओं से मर जाएगा। एक बार ये गोलार्ध जुड़ गए, कुछ भी पहले जैसा नहीं रह सकता। चीनी की अविश्वसनीय कहानी को ही ले लो। रासायनिक तौर पर यह हमारे दिमाग के लिए ईंधन का एकमात्र स्रोत है, एक पदार्थ जिसे हम लालसा करने के लिए प्रोग्राम किए हुए हैं। कच्ची चीनी ज्यादातर गन्ने से होती है। एक बार फिर घास मानव की जाति में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगी। गन्ने 6,000 साल पहले एशिया में उगाए गए तथा क्रूसेड्स द्वारा चीन में इसकी खोज की गई और इसे घर ले आए। यूरोप को गन्ना पसंद आया, लेकिन यूरोप में गन्ने उगाने के लिए जगह ही नहीं थी। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस आया और नई दुनिया की खोज हुई, और स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडोर्स
हाँ, वे शुरू में सोने और चांदी में ही इंटरेस्टेड थे, लेकिन वे सिर्फ अमीर बनना चाहते थे। वे परवाह नहीं करते थे कि वे कैसे अमीर होने वाले हैं। और एक बार सोने और चांदी को लूट लिया गया, अगला चरण था चीनी के पौधे उगाना। कोई स्पेनिश खुद गन्ने के खेतों में काम नहीं करना चाहता था, तो वे मजदूरों के लिए देखने लगे। और अटलांटिक के दूसरी ओर वहाँ एक जगह है जहाँ वे गुलाम खरीद सकते हैं। और अगर हम गुलामी का इतिहास को देखते हैं, अफ्रीका में गुलामों का पहला गंतव्य है गन्ने के खेत। चीनी का इतिहास इतिहास को आकार देता है मध्य पूर्व के माध्यम से, क्रूसेड्स के माध्यम से, मिजो अमेरिका के विजय के माध्यम से, और यहाँ तक कि अफ्रीका से अमेरिका तक गुलामों का इतिहास भी गन्ने से जुड़ा है। वर्ष 1700 में मानवता के सामने एक दीवार है। अधिकांश मनुष्य सरल जीवन जी रहे हैं, हमारे अपने पूर्वजों की तरह। जब आप 1700 में दुनिया में वापस सोचते हैं, ज्यादातर लोग किसान थे, ज्यादातर लोग छोटे पैमाने पर कृषि करके निर्वाह करते थे, अधिकांश निर्माण कार्यशालाओं में होता था। 1700 में पृथ्वी के एक चक्कर में एक साल लग जाता था, उससे जल्दी तो आज हम मंगल पर पहुंच जाते हैं। जिसने हमें रोका हुआ है वह है हमारे ऊर्जा के स्रोत। 4000 साल पहले मिस्र में 90% सभी काम मानव मांसपेशियों द्वारा किया गया और जानवर मजे करते थे। 1700 तक यूरोप में अधिकांश काम 70% अभी भी मानव मांसपेशियों द्वारा संचालित है। केवल मांसपेशियों की शक्ति आधुनिक युग के लिए रास्ता नहीं बना सकती, लेकिन पृथ्वी के भीतर एक शक्ति छिपी हुई है। दुनिया के हमारे इतिहास में करीब 2 घंटे की दौड़ में मानवता के सामने एक दीवार आ गई थी। मानवीय प्रगति हमारी मांसपेशियों की सीमाओं से रुक गई थी। उस दीवार को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा के लिए एक नया तरीका चाहिए। याद करें कि करोड़ों साल पहले तारों से निकलता हुआ लोहा पृथ्वी के गठन के समय इकट्ठा हो गया था। 1000 साल पहले आदमी ने उपकरण और हथियारों के लिए इस लोहे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। हमारी भट्टियां चलती रहें, उसके लिए हमने अपने जंगलों को कम करना शुरू कर दिया। अब 300 साल पहले ब्रिटेन में लोहे की मांग बहुत अधिक है और पेड़ खत्म हो रहे हैं। ब्रिटिश को ईंधन के लिए नए स्रोत की आवश्यकता है, और प्राचीन फर्न के अवशेषों का शुक्र है जो हमें उनसे मिलता है, कोयला। लेकिन कोयले से ही मानव जाति को आधुनिक दुनिया नहीं मिलेगी। कहानी में एक और मोड़ है। जैसे जैसे कोयले की तलाश में खनिक गहराई में गए, पानी से सुरंगों का भरना शुरू हो जाता है। पानी बाहर पंप करने के लिए एक नया आविष्कार आवश्यक है। 1712 में थॉमस न्यूकोमन कोयले से ऊर्जा लेता है, और न्यूकोमन की पहली मशीन पहली व्यावहारिक स्टीम इंजन है। यह कॉम्बिनेशन ऊर्जा और ईंधन, ईंधन और मशीन है, जो हमें अपनी मांसपेशियों की सीमा से मुक्त कर देगा और दुनिया को बदलेगा। औद्योगिक क्रांति शुरू होती है। अमेरिका में राजनीतिक क्रांतियों के साथ साथ और बाद में फ्रांस में यह तकनीकी क्रांति हमेशा के लिए दुनिया के परिदृश्य को बदल देती है। जल्दी ही अटलांटिक दुनिया नई आर्थिक शक्ति, अतः सांस्कृतिक, अतः राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई है, और उसी क्षण से वे वैश्विक राजनीति पर पूरी तरह से राज करने लगे। खुले मैदानों में ट्रेन दौड़ने लगी। 1870 के दशक तक आंतरिक इंजन आ चुका था, और जर्मन लोगों ने अपना खूबसूरत आविष्कार किया, ऑटोमोबाइल। तेल, वह पदार्थ जो पूर्वजों द्वारा व्यर्थ समझा जाता था,
इस ग्रह पर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बन जाता है और भी अधिक आविष्कारों को जन्म देता हुआ। बिजली की गति पर टेलीग्राफ और टेलीफोन संदेश ले जाते। बिजली के साथ मानव जाति अंधेरे पर राज करने लगी। सत्ता का केंद्र स्थानांतरित हो गया है। 1800 में यूरोप और उनके वंशज पृथ्वी पर 35% भूमि पर नियंत्रण रखते थे। 1900 तक वे 85% नियंत्रित करते हैं। बीसवीं सदी तक ईंधन और आंतरिक इंजन ने सब कुछ बड़ा कर दिया है, युद्ध को भी। उस तकनीक का मतलब है कि सैन्य शक्ति और सैन्य विजय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है, ऐसे रूप में अंतर्राष्ट्रीय जैसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ 20वीं सदी में ही युद्ध से इतने लोग मारे गए जो पिछले 2000 वर्षों में मरे लोगों का भी 3 गुना अधिक था। अठारहवीं शताब्दी के औद्योगिक कौशल प्रौद्योगिकी का उपयोग इन घटनाओं से अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, और यह सब उन कार्बनिक सूक्ष्म जीवाश्म से संभव हुआ जो लाखों और लाखों साल पहले प्राचीन दलदलों में गायब हो गए थे। औद्योगिक क्रांति मानव आबादी को बढ़ने की भी अनुमति देती है। मनुष्य के उत्थान से सन 1900 तक आबादी को 160 करोड़ बनने में 2 लाख साल लगे। और 20वीं सदी के 100 वर्षों के भीतर यह 4 गुना होकर 600 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 20वीं सदी मानव इतिहास में सबसे असाधारण क्षण है। हमने इस तरह के पैमाने पर पहले कभी बदलाव नहीं देखा। आज इंसानों की संख्या करीब 700 करोड़ है। हम इस ग्रह पर सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। हमने 50,000 गुना अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना सीख लिया है सिर्फ 10,000 साल के अंदर। यह ऊर्जा हमारे तेज रफ्तार वाले जीवन को चलाती है, और वास्तव में एक वर्ल्ड वाइड वेब को भी, एक ऐसा नेटवर्क जो उतना ही पुराना है जिस समय से इंसान ने धरती पर चलने की कोशिश की है। हमारी 2 घंटे की कहानी खत्म हो रही है, एक कहानी जो वास्तव में 14 अरब साल पहले शुरू हुई थी, एक छोटे ब्रह्मांड के साथ जहां सब कुछ एक साथ था, फिर बिग बैंग। वो सारी ऊर्जा जो कभी अस्तित्व में थी एक पल में बन गई। गुरुत्वाकर्षण ने हमारे ब्रह्मांड को गढ़ा। अरबों वर्षों तक सितारों और सुपरनोवा ने वे तत्व बनाए जिनकी अंततः हमें आवश्यकता होगी। फिर इस पृथ्वी ने आकार लिया और एकदम सही स्थिति में आई जहां जीवन संभव हो। जैसे ही ग्रह विकसित हुआ, जीवन ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा करता रहा और अधिक से अधिक जटिल होता गया। अंततः हमारी प्रजाति की वृद्धि के लिए सभी स्थितियां अनुकूल हुई। हमने पत्थर और आग पर महारत हासिल की। जब हिमयुग आया तो हम ग्रह के चारों ओर फैल गए, और जब बर्फ पिघल गई तो हम अलग अलग महाद्वीपों में फंस गए। हमने अपनी इच्छा के लिए पौधे और जानवरों को ढालना सीख लिया। हमने शहरों का निर्माण किया, फिर सभ्यताओं का। हमने एक विशाल नेटवर्क बनाया जिससे साम्राज्य जुड़े, महाद्वीपों को जोड़ा, फिर महासागरों को पार किया। बस जब ऐसा लग रहा था कि हम अपनी मानवीय सीमा तक पहुंच गए हैं, हमें भविष्य में ले जाने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली। पृथ्वी पर अतीत के बीज एक फूल के रूप में खिल गए हैं, ऊर्जा और रचनात्मकता से भरा। यह अरबों जिंदगियां एक ऐसे ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि में है जो समझने के लिए बहुत बड़ा है। जो भी हम करते हैं, हम जो भी हैं, हम अतीत के स्मारक बने रहते हैं, और हम हर रोज नया इतिहास बनाते चले जाते हैं।